नमस्ते दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त अमित कुमार लेके आया हूँ न्यू थासु वीडियो। चलिए वीडियो देख ही लेते हैं, वीडियो देखने में कुछ नहीं जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं करना ये चाह रहा हूँ कि आप इसको देखिए, देखने के बाद मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए, वो तो आप देख ही लेंगे क्या मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि आप कभी भी मार्केट जाते हैं तो एक सिंपल सा टेम्पर्ड ग्लास लेते हैं। जैसे कि मैं ये निकाल रहा हूँ, ये आपको मैं बता दूँ सच सच ये 10 रुपये का मिलता है, मगर मार्केट में ये 40 से 50 रुपये का मिलता है। और इसके बाद एक और मिलता है, वो 50 रुपये का रहता है, उसका कॉस्ट पड़ता है आपका 100 से लेके 120 तक। तो दोस्तों तीन क्वालिटी का है, पहला ये 10 रुपये का मिलता है, मार्केट में 50 का मिलता है, दूसरा 50 का है वो 100 से 120 का मिलता है, तीसरा भाई 100-200 का ही मिलता है, मगर उसको गोरिल्ला ग्लास कहा जाता है। मगर मैं आपको बता दूँ, कभी भी आप भूल के भी गोरिल्ला ग्लास यूज़ मत करिएगा, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास आपका टूटेगा नहीं, मगर आपका फोल्डर ज़रूर तोड़ देगा। फोल्डर टूटने के बाद आपका समझ लीजिए जितना मोबाइल का खर्च होगा आप दुगना देंगे, उससे दुगना तिगना। तो कोशिश करिएगा गोरिल्ला ग्लास मत लगाइएगा। और मैंने देखा है कि भारत में कोई हेलमेट लगाए या ना लगाए, अपने मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगाता है, क्योंकि उसको मालूम है हेलमेट से सर फूट जाए कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, फिर भी अपना मोबाइल गिरना नहीं चाहिए दोस्तों, अपना मोबाइल अपना होता है, समझ लीजिए एक तरीके से जान होता है, जान मतलब समझ सकते हैं। अब मोबाइल को ही सब अहमियत देते हैं मेरे हिसाब से, तो 90% तो लोग इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कोशिश करिए कम से कम चलाने का। और दोस्तों कुछ खास बातें बता देते हैं, इस जो मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया है या फिर लगा रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं, तो कोशिश करिएगा इसी को लीजिएगा। इसमें 11D आता है, M आता है, मतलब कुल मिला के देखिए ब्लैक जो साइड ब्लैक है, आप इसको ही देख के लीजिएगा। इसको जब आप देख के लेते हैं तो ये आपका सेफ रहता है, आँखों को सुरक्षा ये बहुत देता है, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि जो मतलब किरणें मोबाइल से जो किरणें निकलती हैं ये डीम कर देता है, मतलब धीमा कर देता है, तो उससे हमारी आंखों पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और कोशिश करिए दोस्तों अपना मोबाइल कम से कम चलाने की, मतलब आप चलाइए 5-6 घंटा, मगर रुक रुक के या 1-2 घंटा, इसीलिए बैटरी बैकअप 4-6 घंटा ही चलता है। कंपनी जो भी बनाती है अच्छा बनाती है, बैटरी बैकअप भी जो दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, इसलिए दिया गया क्योंकि लगातार आप चलाएं और उसके बाद आँख आपकी जल्दी ख़राब हो जाए तो उनका मोबाइल तो बिकेगा नहीं ना दोस्तों, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि कम से कम आदमी या फिर कोई भी, अब तो बच्चे भी चलाते हैं तो आदमी क्या कहें, हम सब लोग ही चलाते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, तो कोशिश करिए कम से कम चलाने का। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। इससे बस मेन कारण यही था कि जब भी आप लगाइए भाई, सस्ता मत लगाइए, थोड़ा सा महंगा लगाइए। आप 10-15 हज़ार का मोबाइल लेते हैं और लगाते हैं 50 रुपये का, शर्म नहीं आती? चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों शर्म नहीं आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा शर्म करें या ना करें, मगर आप अपने मोबाइल को अपनी जान समझते हैं तो थोड़ा बहुत तो खर्चा कर ही दिया करिए दोस्तों। और कवर हो सके तो कवर भी थोड़ा अच्छा वाला ले लें, क्योंकि कवर कभी कभी होता क्या है, मेरा मोबाइल गिरता है, पानी में चला जाता, कहीं चला जाता है, तो कवर बहुत ही सिक्योर करता है अपने मोबाइल को। तो 10-15 हज़ार का मोबाइल यार गिर जाता है, टूट जाता है, बहुत बेकार लगता है। तो कोशिश करिए कम से कम, मतलब हाथ में कम रखिए और बाकी चलाइए भरपूर, गिरने पे दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। और यही कहूँगा मैं कि लास्ट में जो मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दोस्तों आपकी दुआ से, और इसी तरह बढ़ाते रहिए, थैंक यू। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।